Hello everyone. So in this video we will be discussing about the IP addresses. So we were discussing about the network layer. और नेटवर्क लेयर के अंदर हम पहली तीन रोज़ को डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो. जो पहली रो थी हमारे पास वो पैकेट की इन्फॉर्मेशन थी नेटवर्क लेयर के अंदर, जिसके अंदर आपके पास हेडर लेंथ फील्ड, वर्जन फील्ड, टाइप ऑफ सर्विस फील्ड और आपकी टोटल लेंथ फील्ड आती है. फिर आपकी जो दूसरी रो थी वो आपकी फ्रेगमेंटेशन के लिए यूज़ होती है, जिसके अंदर फ्रेगमेंट ऑफसेट, आपके पास कुछ फ्लैग बिट्स आती हैं और आपके पास आइडेंटिफिकेशन बिट आती है. फिर आपकी जो थर्ड रो है वो आपके पैकेट के लिए, जैसे टाइम टू लीव फील्ड है, या फिर अगर आपका जो आईपी प्रोटोकॉल है वो किस तरह का पैकेट को कैरी कर रहा है, वेदर आपका जो आईपी प्रोटोकॉल है वो एक टीसीपी के पैकेट को कैरी कर रहा है या फिर एक आईसीएमपी के पैकेट को कैरी कर रहा है, किस तरह के पैकेट को कैरी कर रहा है, तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे पास प्रोटोकॉल फील्ड से. और फिर हमारे पास था चेकसम. तो जो पहली तीन रोज है हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अब इस वीडियो के अंदर जो हमारी जो फोर्थ रो है, जिसके अंदर हमारे पास आता है एड्रेसिंग फील्ड, यानी कि जो आईपी एड्रेस जो हमारे पास फील्ड है, हम आईपी एड्रेस फील्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस फील्ड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूँगा. तो हमारे पास जो इस समय पर हम चेक कर रहे थे वो हमारे पास IPv4 प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो IPv4 प्रोटोकॉल में आईपी एड्रेस फील्ड आपके पास 32 बिट की होती है. और अगर हम लोग IPv6 प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर आपकी आईपी एड्रेस फील्ड टोटल 64 बिट की होती है. सो यू हैव IPv4 which is IP address field is 32 bit or IPv6 here your IP address field is total 128 bits. ठीक है, तो हम IPv4 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर IPv6 के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे. तो IPv6 के बारे में ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो प्रेजेंट है, जहाँ पर जो अर्पण मंगल है उन्होंने IPv6 के बारे में डिस्कस किया था. हम लोग IPv4 के अंदर IP addresses field के बारे में डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो तरह के एड्रेसेस होते हैं. पहला होगा आपके पास एक फिजिकल एड्रेस और फिर होता है आपके पास एक लॉजिकल एड्रेस. ठीक है, फिजिकल एड्रेस का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव मैक एड्रेस विच इज योर मशीन एड्रेस, दैट इज योर फिजिकल एड्रेस. अब ये जो फिजिकल एड्रेसेस हैं ये आपके डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं. तो डेटा लिंक लेयर के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, हॉप टू हॉप कम्युनिकेशन, उसके लिए हम लोग मैक एड्रेसेस का यूज़ करते हैं. और जो हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है इसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस. यहाँ पर हम IPv4 प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम आईपी एड्रेसेस जो है वो एक लॉजिकल एड्रेस है, यानी कि जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगी तो उस डिवाइस का लॉजिकल एड्रेस क्या है. लॉजिकली हम हर एक डिवाइस को एक एड्रेस देंगे तो वो हमारे पास होगा यहाँ पर आईपी एड्रेस. अगर आप ध्यान दोगे तो जो आईपी एड्रेस फील्ड है यहाँ पर IPv4, वो टोटल आपके पास 32 बिट की फील्ड है. और इन 32 बिट की फील्ड से टोटल हमारे पास 2^32 आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर. अब देखो, जब इंटरनेट डेवलप हो रहा था, यानी कि इंटरनेट का जो प्रपोजल आया था वो 1970s में पहली बार आया था, तो 1970s में US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, उन्होंने वहाँ पर एक रिसर्च चल रहा था जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स है, इसके बारे में दे प्रपोज्ड नेटवर्क फॉर सो दैट दे कैन शेयर इन्फॉर्मेशन विद देयर पीयर्स. तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के नेटवर्क को प्रपोज किया था. और फिर 1970s से लेकर 1980s तक US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको और इन्हेंस किया. अब उन्होंने जस्ट सिर्फ एक मिलिट्री नेटवर्क की तरह इसको यूज़ नहीं किया, बट रेदर उन्होंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ को भी कनेक्ट कर दिया. यूनिवर्सिटीज़ हुआ या फिर आपके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ प्लस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उन सभी को कनेक्ट कर दिया. अब सो कनेक्ट करने के बाद धीरे धीरे जो नेटवर्क है वो इवॉल्व होता चला गया. तो 1970s में ये एक लिमिटेड पीपल के पास अवेलेबल था, लेकिन धीरे धीरे जो नेटवर्क है वो जनरल पब्लिक के पास भी अवेलेबल हुआ. अगर आप देखोगे तो 1990s से लेकर और 2000 तक इंटरनेट ने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी, यानी कि एक्सपोनेंशियल नंबर ऑफ डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हुई. आपके पास बहुत सारी पब्लिक वेबसाइट्स आई, जैसे कि हमारे पास yahoo.com था, या फिर हमारे पास बहुत सारे सर्च इंजन्स थे. फिर उसके बाद आपके पास गूगल एक सर्च इंजन आया और उसने इंटरनेट को रिवॉल्यूशनरी तरीके से चेंज कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसके लिए वी आर गोइंग टू एलोकेट सम काइंड ऑफ आईपी एड्रेस. अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं www.google.com, सो ये जो नेम है दिस इज अ डोमेन नेम, पर इंटरनली जब भी आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो थ्रू द DNS सर्वर ये जो नेम है ये आपके आईपी एड्रेस में ही कन्वर्ट होगा.
ठीक है। तो यानी कि एवरी नेम जो भी इंटरनेट पे रिसोर्सेज हैं उन सभी को हम आईपी एड्रेसेस के थ्रू एक्सेस करते हैं, विच इज अ लॉजिकल एड्रेस, फाइन। अब यहां पर एक हमारे पास एक अथॉरिटी आती है विच इज द IANA अथॉरिटी। IANA इज इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। सो अथॉरिटी का काम है कि इंटरनेट के अंदर हम जो भी लॉजिकल नंबरिंग का यूज करेंगे वो सभी असाइनमेंट IANA करेगा, ठीक है, चाहे वो आपके आईपी एड्रेसेस हैं या फिर आपके पोर्ट नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर जो ये जो हमने एलोकेशन की है इसके लिए हमने IANA एक अथॉरिटी को बनाया जो कि ये स्पेसिफाई करेगा कि किस तरह के आईपी एड्रेसेस को कौन यूज़ कर सकता है और उसके अलावा किस तरह के पोर्ट नंबर को कौन यूज़ कर सकता है। तो उसके लिए हमने IANA को बनाया। अब IANA ने इनिशियली एक कैटेगरी ऑफ आईपी एड्रेसेस को सजेस्ट किया, उन्होंने बोला कि जब भी हम आईपी एड्रेसेस को असाइन करेंगे तो उसको हम क्लासफुल आईपी एड्रेसेस के थ्रू ही एलोकेट करेंगे। उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग, क्लासफुल यानी कि जिसमें आईपी एड्रेसेस को हम वेरियस क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। लेकिन फिर बाद में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भी अपडेट किया विद द हेल्प ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज CIDR यानी कि क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। सो प्रेजेंटली हम लोग CIDR को यूज़ करते हैं, दैट इज क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। जो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग है उसको हम लोग इस समय पर यूज़ नहीं करते। बट एनीवेज जो आपकी क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग है तो सबसे पहले हम लोग क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग होती क्या है, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। फिर इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आएंगे कि किस तरीके से आप सब नेटवर्क्स को बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं सबनेट, तो सबनेट को कैसे बनाएंगे। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर एग्रीगेशन या फिर सुपरनेटिंग भी आएगी, तो हम उन सब चीज़ों को एक करके स्टडी करेंगे। और फिर इन सभी कॉन्सेप्ट को हमने किस तरीके से CIDR में इम्प्लीमेंट किया है वो सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपके पास क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। अब देखो जो क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग है, अगर आप यहाँ पर चेक करो तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2^34 आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं। सो इमेजिन ये आपके पास ये सभी 2^34 आईपी एड्रेसेस को, सॉरी 2^32 आईपी एड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज 2^32। तो ये जो सर्कल है, ये जो सेट है, ये आपके पास सभी 2^32 आईपी एड्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब IANA बोला कि हम इस पूरे आईपी एड्रेसेस को हाफ में डिवाइड करेंगे, तो जो आपके पास पहला हाफ आएगा उसके अंदर कितने आईपी एड्रेस होंगे, 2^31, ठीक है। तो पहले हाफ के अंदर 2^31 आईपी एड्रेसेस होंगे, उन सभी आईपी एड्रेसेस को हम क्लास ए के अंदर असाइन करेंगे, ठीक है। अब जो आपके पास सेकेंड हाफ बचता है, उस सेकेंड हाफ में हम एक क्वार्टर लेंगे और यहाँ पर जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं कितने होंगे, 2^30 आईपी एड्रेसेस। इन सभी 2^30 आईपी एड्रेसेस को हम क्लास बी के अंदर असाइन करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका थर्ड हाफ बचता है यानी कि जो क्वार्टर है, इसका भी हम एग्जैक्ट हाफ लेंगे और यहाँ पर आपके पास 2^29 आईपी एड्रेसेस होंगे जिसको हमने क्लास सी के अंदर असाइन किया। और फिर आपका जो रिमेनिंग हाफ है इसको हम दो इक्वल साइज पार्टीशंस के अंदर ब्रेक करेंगे जो कि आपके पास 2^28 और 2^28 आईपी एड्रेसेस का पार्टीशन होगा। इसको हम क्लास डी और क्लास ई के अंदर हम डिवाइड करेंगे। तो जितने भी आईपी एड्रेसेस प्रेजेंट हैं उसमें से एग्जैक्ट हाफ हमने क्लास ए के अंदर लोकेट किए, फिर एक क्वार्टर हमने क्लास बी के अंदर लोकेट किया और फिर इस क्वार्टर का भी जो हाफ है उसको हमने क्लास सी के अंदर लोकेट किया। अब उन्होंने बोला ये जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है, इनको हम स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस को या स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडिविजुअल को ही असाइन कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि जो क्लास ए के अंदर आईपी एड्रेसेस हैं ये बहुत बड़े आईपी एड्रेसेस हैं, तो इनको हम या तो मिलिट्री नेटवर्क्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर कंट्री स्पेसिफिक आईपी एड्रेसेस को यूज़ कर सकते हैं। क्लास बी के अंदर जो आईपी एड्रेसेस हैं यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है वो थोड़ा सा छोटा होगा, छोटा इन द सेंस कि उसके अंदर कम, एक नेटवर्क के अंदर कम आईपी एड्रेसेस होंगे, तो उसको हम लोग किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए असाइन कर सकते हैं। फिर आपके पास जो क्लास सी के आईपी एड्रेसेस हैं उनको हम कुछ स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कॉलेजेस हुआ, तो इस तरह की स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस को हम क्लास सी के आईपी एड्रेसेस को असाइन कर सकते हैं। और जो क्लास डी के आईपी एड्रेसेस हैं उसको हम साइंटिफिक पर्पजेज के लिए यूज़ करेंगे और जो क्लास ई के आईपी एड्रेसेस हैं उसको हम रिजर्व रखेंगे। तो बेसिकली उन्होंने, मेरे कहने का मतलब है कि उन्होंने क्लासिंग आईपी एड्रेसेस को क्लासेस के अंदर डिवाइड किया और उन्होंने स्पेसिफाई किया कि किस तरह के क्लास के आईपी एड्रेस को हम किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्लासेस के अंदर आईपी एड्रेस को डिवाइड किया था। अब कैसे डिवाइड करेंगे वो सब हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, हमारे पास किसी भी आईपी एड्रेस के दो पार्टीशंस होंगे। देखो ये जो मैं अभी कवर कर रहा हूँ, दिस इज द बेसिक्स। तो आईपी एड्रेसेस को इनडेप्थ पढ़ने के लिए हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जो भी आईपी एड्रेस होगा हमारे पास, तो आईपी एड्रेस के अंदर बेसिकली दो तरह के पार्टीशंस होंगे हमारे पास। एग्जैक्टली फर्स्ट पार्टीशन जो होगा यहाँ पर होगा हमारे पास समथिंग कॉल्ड एज नेटवर्क आईडी, और द सेकेंड पार्टीशन होगा ये होगा हमारे पास होस्ट आईडी। तो आईपी एड्रेस को हम दो पार्टीशन डिवाइड करेंगे, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। इसका मतलब क्या है, एज्यूम करो कि ये एक आपका नेटवर्क है, ठीक है। इस नेटवर्क के अंदर आपके पास बहुत सारे होस्ट हैं, काफ़ी सारे होस्ट जो है इस नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हैं। फिर ये जो नेटवर्क है वो किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, या आपका दूसरा नेटवर्क है, यहाँ पर जो होस्ट है वो कनेक्टेड हैं कुछ, ठीक है। फिर हमारे पास कोई तीसरा नेटवर्क है, यहाँ पर जो होस्ट है वो कनेक्टेड है कुछ, दे कैन हैव एनी काइंड ऑफ टॉपोलॉजी और व्हाटएवर, ठीक है। सो एज्यूमिंग दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर नेटवर्क ए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर नेटवर्क बी, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर नेटवर्क सी। सो आपने तीन अलग अलग नेटवर्क बनाए यहां पर, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी और नेटवर्क सी। अब नेटवर्क ए के अंदर हमारे पास काफी होस्ट हो सकते हैं। होस्ट जैसे कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके कॉलेज में लेबोरेटरी का एक नेटवर्क है, उस लेबोरेटरी में आपने कितने डिवाइसेस को कनेक्ट किया, वो सभी एक होस्ट है। फॉर एग्जाम्पल वो डिवाइस अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप एक होस्ट है, अगर वो आपके पास एक मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन एक होस्ट है, उसी तरीके से अगर आपका एयर कंडीशनर नेटवर्क से कनेक्टेड है तो वो एक होस्ट है। तो हमारे पास अलग अलग होस्ट हो सकते हैं। अब हम पूरे नेटवर्क में हमें हमेशा किसी भी डिवाइस का एड्रेस अगर देना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू गिव द एड्रेस ऑफ दिस डिवाइस इन द एंटायर नेटवर्क, तो सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि जो होस्ट है वो किस नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करता है। वो नेटवर्क ए के अंदर एग्जिस्ट करता है, नेटवर्क बी के अंदर एग्जिस्ट करता है, या नेटवर्क सी के अंदर एग्जिस्ट करता है, किस नेटवर्क के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसके लिए हम नेटवर्क आईडी का यूज करेंगे, ठीक है। अब विद इन द नेटवर्क, उस नेटवर्क में वो कौन सा होस्ट है, उस होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग होस्ट आईडी का यूज करेंगे। तो जो भी आईपी एड्रेस होगा वो दो पार्टीशंस में डिवाइड होगा, पहला पार्टीशन आपका है नेटवर्क आईडी और दूसरा पार्टीशन आपका होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी यानी कि कौन सा नेटवर्क है, और होस्ट आईडी यानी कि उस नेटवर्क के अंदर हम किस होस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पार्टीशंस होंगे। अब ये जो पार्टीशन है ये क्लास ए में डिफरेंट तरीके से लिया गया है, क्लास बी में डिफरेंट तरीके से लिया गया है, और क्लास सी में डिफरेंट तरीके से लिया गया है, ठीक है। सो एनीवेज इसको डिस्कस करने से पहले मुझे एक छोटा सा यहाँ पर क्लास ए के अंदर किस तरह से आईपी एड्रेसेस को असाइन किया ये हमें डिस्कस करना है, तो मैं इस बोर्ड को रब करता हूँ, फिर मैं फिर से वापस आता हूँ।